हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ गुरुजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मच्छर भगाने वाला प्राकृतिक घरेलू तरीका सिखाऊंगा। इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए, ये हैं पौधे और इससे घरों से आप मच्छर बहुत ही आसानी से भगा सकते हैं। गाइस, यह वीडियो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि कोई भी जानकारी जो होती है व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो बाद में चल करके आपको फायदा पहुंचाएंगे, यानी कि काम आएंगे, लेकिन जो जानकारी होती है हमेशा यूजफुल होती है, बाद में चल करके काम आते हैं, फायदेमंद साबित होती है। देखिए, अभी मच्छरों का घरों में इतना ज्यादा आतंक बना हुआ है कि जिसके वजह से सभी की मैं बात करूं, रात में अच्छी से नींद नहीं आती। मैं बताना चाहूंगा, मच्छर भगाने के लिए हम फटाफट तो मार्केट में मिलने वाले कॉइल जला लेते हैं, अगरबत्ती ले आते हैं, घरों में इसका धुआं दिखा देते हैं, इससे मच्छर भग भी जाते हैं, बहुत सारे मच्छर मर भी जाते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर देखने को मिलते हैं। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं, इसलिए यह वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। अगर आज की यह वीडियो मिस कर दिए तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि जो आप मच्छर भगाने के लिए इस कॉइलों को जलाते हैं, इस कहा जाए अगरबत्ती को जलाते हैं, इसके एक धुआं 100 सिगरेट पीने के बराबर होता है। और हमारे घरों में, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे रहते हैं जिसके शरीर पर इस धुआं का कितना बुरा असर पड़ता होगा, आप सोच सकते हैं। इस धुआं से कैंसर जैसा भयानक बीमारी भी हो सकते हैं। और ये जो मच्छर भगाने के लिए हम कॉइल जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं ना, ये बहुत सारे देशों में बंद है और हो सकते हैं हमारे इंडिया में भी कब बंद हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कितने दिनों तक आप इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, कितने दिनों तक आपको इसके ऊपर निर्भर होना है। इसलिए दोस्तों, नेचुरल तरीका करें मच्छर भगाने के लिए, किसी भी प्रकार के सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि बहुत सारे देशों में बैन हो चुका है और हो सकते हैं हमारे इंडिया में कभी भी बैन हो जाए। तो इसके ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना है, खुद का प्राकृतिक तरीका करना है। तो मच्छर भगाने के लिए क्या करना है देख लीजिए। इस प्रकार से ये है मरुआ का पौधा, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो मरुआ के पौधा का कौन से हिस्से का प्रयोग होता है मच्छर भगाने के लिए, आइए जानते हैं। ग्रामीण इलाकों में इसका प्रयोग आज भी होता है। वीडियो इतना ज्यादा फायदेमंद है, इतना ज्यादा यूजफुल है कि यह जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। मच्छर भगाने के लिए प्रायः हर व्यक्ति या तो मोर्टिन का प्रयोग करते हैं, मच्छर भगाने वाले कॉइल जलाते हैं, मच्छर भगाने वाले अगरबत्ती जलाते हैं। सावधान सतर्क हो जाए, इससे कैंसर जैसे भयानक बीमारी होने का खतरा रहता है। ये मरुआ देख रहे हैं ना, इसके पूरे पेड़ को, इसके पूरे शाखा को, पंचांग को उखाड़ करके ले आए, इसका रस निकाल ले और इसका रस का छिड़काव आप अपने घरों पर करें। दूसरा, अगर आपके घरों के पास में नाली है जहां पे सबसे ज्यादा मच्छर भिन भिन आते रहते, वहां पे इसका रस डाल दे, बिल्कुल ही मच्छर वहां से भग जाते हैं, क्योंकि इससे काफी बदबूदार दुर्गंध निकलती है जिससे मच्छर बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये पौधा देख रहे ना, ये तुलसी के पौधे की तरह दिखते हैं, लेकिन यह तुलसी का पौधा नहीं है। एक होता है तुलसी, एक होता है श्यामल तुलसी, बन तुलसी, और एक जो होता है दवना होता है। तो ये सेम ही प्रजाति है समझ जाइए, लेकिन थोड़ा सा हट करके है, ये मरुआ है। ये पहला प्रयोग है मच्छर भगाने के लिए। दूसरा प्रयोग, इसके पौधे का धुआं दिखाने से, ठीक है, इस पौधे का कपूर में जला करके, या देख लीजिए थोड़ा सा कूड़ा करना है, इसका धुआं दिखाना है, तो इसका धुआं अपने घरों पर दिखाने से सारे मच्छर भग जाते हैं। यह प्राचीन तरीका है, नेचुरल तरीका है, आज भी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग यह तरीका को अपनाते हैं। या तो नीम की टहनी का धुआं दिखाते हैं, या मरुआ की देख रहे हमारी वीडियो के माध्यम से इसका धुआं दिखाते हैं। कौन कौन यह प्रयोग आज भी करते हैं कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। तो यह तरीका करें, अपने जच्चे बच्चों को कैंसर जैसे भयानक बीमारी से बचाएं, मार्केट में मिलने वाले केमिकल को छोड़ें और यह प्राचीन घरेलू नुस्खे अपनाएं, इससे 100% लाभ मिलेंगे, आपके घरों से मच्छर भग जाएंगे। तो थोड़ी भी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और हो सकता है अगर लगता है कि यह वीडियो समाज हित के लिए काफी अच्छा यूजफुल साबित हो सकता है तो इसे अपने दोस्तों यारों मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।